हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट वन का सबसे आखिरी चैप्टर, जो है हमारा बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसमें हम क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स ही देखने वाले हैं। हालांकि ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, तो ये जो टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी रहती हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, लेकिन अभी क्या जस्ट स्टार्टिंग है। तो हम क्या इसके बेसिक प्रिंसिपल्स ही देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करती है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, और एक्चुअल में ये होती क्या है इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके कुछ बेसिक से एप्लीकेशंस देखेंगे, और आगे जाके क्या है इसके बारे में अलग अलग टॉपिक्स जो हम पढ़ेंगे, जैसे होगी हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसके अलावा भी काफ़ी सारे होते हैं। तो आगे जाके एक एक करके सारे टॉपिक्स को हम समझेंगे, लेकिन अभी हम स्टार्ट करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के बेसिक इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में समझते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है। तो देखिए, ये बहुत ही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हालांकि जितना सुनने में ये सिंपल लगता है उतना सिंपल होता नहीं है। तो चलिए इसको एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए कि आप एक किसान हैं और आप चाहते हैं कि आप टमाटर की एक ऐसी फसल उगाएं जो क्या है सर्दियों में भी सर्वाइव कर सके और सर्दियों में वो काफ़ी अच्छे से उग सके। तो हम क्या करेंगे, कोई टमाटर की फसल है जिसे हम चाहते हैं कि वो विंटर्स में भी उगे अच्छे तरीके से, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक जीन की खोज करेंगे। हमें एक जीन चाहिए, ऐसा जीन चाहिए जिसे हम टमाटर के अंदर डाल दें तो जो टमाटर है वो क्या है सर्दियों में भी सर्वाइव कर सके। तो हम क्या कहते हैं कि एक फिश होती है जो क्या है सर्दियों में सर्वाइव कर सकती है, जो ठंडे पानी में रहती है। तो हम क्या करेंगे, उस मछली के अंदर से जो मछली होगी इस तरीके से, तो जो मछली होती है हम क्या उसके अंदर से उसका एक जीन लेंगे, क्योंकि वो जो मछली है वो क्या है सर्दियों में जो ठंडा पानी होता है उसमें सर्वाइव कर सकती है। तो हम क्या उसके डीएनए के अंदर से एक जीन लेंगे, उस जीन को हम क्या करेंगे इस टमाटर के डीएनए के अंदर उस जीन को हम पहुंचा देंगे, यानी उसके डीएनए के साथ जोड़ देंगे उस टमाटर के डीएनए के साथ। तो इसके बाद क्या होगा कि ये जो प्रॉपर्टी है जो मछली के अंदर है कि वो सर्दियों में भी सर्वाइव कर सकती है, तो ये सेम प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी टमाटर के अंदर आ जाएगी। तो फिर जो टमाटर की जो फसल होगी वो क्या सर्दियों में सर्वाइव कर पाएगी। ओके, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को आप सिंपल एक लाइन में आप ऐसे समझ सकते हो, तो एक इंसान के कोई गुण होते हैं या फिर उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं तो उसको हम किसी दूसरे इंसान में हम उसे ट्रांसफ़र कर सकें। अब इसकी जगह पे इंसान भी हो सकता है, फसल भी हो सकती है, जानवर भी हो सकता है, मतलब बहुत सारी मतलब कैटेगरीज में आ जाती हैं। तो किसी एक जो स्पीसीज होती है उसके जो फ़ायदेमंद जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं तो उनको हम क्या किसी दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस चीज़ को हम जो जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या है बेसिकली यही किया जाता है कि कोई एक ऐसी स्पीसीज है जिसके अंदर कोई बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो हम क्या करेंगे उसके अंदर से एक जीन लेंगे और किसी ऐसी स्पीसीज के अंदर हम उसे डाल देंगे जिसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है। ओके, तो इस तरीके से ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो काम करती है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा एक एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत ही सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ लेबोरेटरी प्रोसेस दैट एल्टर्स द डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ये क्या एक लेबोरेटरी प्रोसेस है। ऐसे क्या लैब में किया जाता है, ये नेचुरली नहीं होती है। तो ये क्या एक लेबोरेटरी प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है कि जो किसी ऑर्गेनिज्म होता है तो उसका जो डीएनए उसको हम एल्टर कर देते हैं, उसको हम चेंज कर देते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ, हम उसे बदल देते हैं। इसके अलावा चेंजेस कैन इंक्लूड मॉडिफाइंग सिंगल बेस पेयर, डिलीटिंग ए डीएनए रीजन और एडिंग अ न्यू डीएनए सेगमेंट। तो बेसिकली इसके अंदर हम करते क्या है कि हम जो कोई पर्टिकुलर, मान लीजिए कोई एक ऐसी स्पीसीज है जिसके डीएनए को हमें अपग्रेड करना है, किसी अच्छे मतलब स्पीसीज का डीएनए हमें उसके अंदर लेके आना है, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें इसके अंदर डालनी है एक स्पीसीज के अंदर। तो हम क्या करते हैं बेसिकली कि जो मॉडिफिकेशन करेंगे उसके डीएनए के अंदर, या तो हम उसके सिंगल बेस पेयर को मॉडिफाई करें या फिर क्या हम इसके डीएनए के एक रीजन को हटा दें, है ना, और उसके पे दूसरा ले आए, या फिर क्या है नए डीएनए सेगमेंट को उसके साथ हम जोड़ दें। तो इस तरीके से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। बेसिकली क्या है, ये जो सिंगल बेस पेयर रहता है, तो सिंगल बेस पेयर का मतलब होता है ये क्या है डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो बेस पेयर्स होते हैं। तो सिंगल बेस पेयर क्या है, दो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना रहता है, है ना, और जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं तो वो क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या रहता है, न्यूक्लियोटाइड क्या है डीएनए और आरएनए के निर्माण में मतलब यूजफुल रहते हैं, है ना, और एक जो न्यूक्लियोटाइड रहता है तो वो क्या है तीन हिस्सों से मिलकर बना रहता है, उसमें तीन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। एक तो उसमें नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होता है, एक शुगर बेस प्रेजेंट होता है, और एक क्या है फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। जो नाइट्रोजन बेस होता है उसमें चार हमारे टाइप होते हैं, एक तो रहता है एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन, और इसमें जो आरएनए रहता है तो आरएनए में थायमिन की जगह पे यूरेसिल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है आपको डायग्राम में दिख जाएंगी सारी की सारी। और इसके अलावा क्या है इसमें एक शुगर होता है, शुगर क्या है मतलब डीएनए में तो नहीं होता है, ये क्या है आरएनए में प्रेजेंट होता है।
इसके अलावा एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, तो एक डीएनए के अंदर क्या है, एक से ज़्यादा फॉस्फेट ग्रुप हो सकते हैं जो क्या है न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ते हैं। तो बेसिकली क्या है, जो न्यूक्लियोटाइड रहता है डीएनए और आरएनए के अंदर, तो ये क्या है तीन चीज़ों से मिलकर बना रहता है, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। ओके, तो इतना आपके समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। चलिए एग्जाम्पल हम देखें तो ये जीन फ्रॉम स्पीसीज मे बी एडेड टू अनदर स्पीसीज टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड ट्रेट। ओके, तो हम क्या करते हैं, किसी एक स्पीसीज से हम जीन को लेते हैं और उसको क्या हम ऐड कर देते हैं किसी अदर स्पीसीज में, जिससे कि हमें एक नया मतलब एक नई ट्रेट या फिर हमें एक नई करेक्टरिस्टिक मिलती है। तो एक ऐसा जीन है जो क्या है सर्दियों में सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा मतलब स्पीसीज लेंगे जो क्या सर्दियों में सर्वाइव करती है ना, वो मरती नहीं है, तो हम उसके जीन को लेंगे और उस स्पीसीज के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसे हमें क्या अपग्रेड करना है ताकि वो भी सर्दियों में जो है जी सके, है ना। तो हमें क्या एक नई करेक्टरिस्टिक मिलती है जेनेटिक इंजीनियरिंग से। ओके, तो ये हो गया सिंपल सा। एप्लीकेशन से हम बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज इन रिसर्च और इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है, प्रोडक्शन ऑफ कैंसर थेरेपीज, ब्रियिंग यीस्ट है ना, इसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स एंड लाइव स्टॉक्स। ओके, लाइव स्टॉक्स होता है जो हम कैटल्स वगैरह पालते हैं ना, गाय भैंस बकरी। ओके, तो उनमें भी क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज किया जाता है, एंड दिस इज द डायग्राम। तो यहाँ पे क्या है, मतलब एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि मतलब इस तरीके से किया जाता है, लेकिन आप थोड़ा सा एक आपको आइडिया लग जाएगा कि डीएनए में किस तरीके से मतलब मॉडिफिकेशंस की जाती हैं, या तो हम डीएनए के एक सेगमेंट को कट कर देते हैं। ओके, और या फिर क्या है, हम जो है कोई दूसरा मतलब डीएनए का यहाँ पे जो जीन है या फिर डीएनए का जो सेगमेंट है उसको हम ऐड कर देते हैं इस तरीके से, तो इस तरीके से मॉडिफिकेशंस की जाती हैं। चलिए हम प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल पे एक कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो मेन इसका जो प्रिंसिपल रहता है वो क्या है जीन क्लोनिंग का रहता है ना, कि हम क्या है डीएनए को जब अपग्रेड करते हैं किसी अदर स्पीसीज के, तो हम क्या है मेनली उसमें जीन क्लोनिंग कर रहे होते हैं, है ना, कि हम क्या है जीन का क्लोन बना रहे होते हैं। अब जीन क्लोनिंग की जो प्रोसेस है वो होती कैसे है, तो जीन क्या होता है बेसिकली, जीन क्या है, मान लीजिए मैं हूँ तो मेरे अंदर जो जीन होगा, तो मतलब मान लीजिए मेरा कलर थोड़ा सा फेयर है ना, या फिर मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स है तो ये क्या है जीन के ऊपर डिपेंड करती है। जीन क्या है सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। इसके अलावा कुछ जो फंक्शंस होते हैं, जो बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं, तो वो भी क्या है जीन्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन रहती है, तो वो क्या है जीन ही होल्ड करते हैं। तो ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें इसी तरीके से काम करती हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हम घर बैठ के ये सारे काम कर रहे होते हैं। तो ये क्या बहुत ही मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी है, कोई मतलब मामूली चीज़ नहीं है कि हम घर बैठ के ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो समझाने के लिए बस मैं आपको ये छोटे छोटे एग्जांपल्स दे रहा हूँ, है ना। तो बेसिकली इसमें क्या है जीन क्लोनिंग की जाती है। ओके, जीन क्लोनिंग में हम क्या करते हैं कि डीएनए का हम एक पीस लेते हैं, और उस डीएनए के पीस को हम क्या करते हैं कि जो होस्ट सेल होती है, ओके, जिसे हमें मॉडिफाई करना है, ठीक है, जिस स्पीसीज को हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो हम उसके अंदर प्लेस कर देते हैं एक स्पीसीज जिसकी करेक्टरिस्टिक हमें अच्छी लगी, उसको हम चाहते हैं कि किसी दूसरी स्पीसीज के अंदर ट्रांसफ़र कर दें। तो जिसके अंदर हम उसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसे हम होस्ट सेल बोलेंगे, यानी उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होंगी, जो डीएनए होगा, तो वो हमारा होस्ट सेल माना जाएगा। ओके, और जिसके अंदर से हम ले रहे हैं, तो वो क्या बेसिकली डोनर होता है। इसके अलावा हम इस चीज़ को भी एंश्योर करते हैं जीन क्लोनिंग में, कि जो हमने होस्ट सेल के अंदर जो डीएनए का पीस हमने इंसर्ट किया है, ओके, तो वो क्या है एक तो अपने आप को रिप्लीकेट करे, जो होस्ट सेल है अपने जैसे और सेल्स बनाए जो क्या है जिसमें क्या नई नई करेक्टरिस्टिक्स होंगी। इसके अलावा एक और उसमें चीज़ देखी जाती है कि जो डॉटर सेल्स बनती है डिवीजन के टाइम पे, तो वो जो डॉटर सेल्स हैं, तो उनके अंदर भी क्या है वो करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, है ना। डॉटर सेल्स बेसिकली क्या होता है कि जब भी क्या सेल डिवीजन होता है तो दो नई सेल्स बनती हैं, तो जो नई सेल्स बनती हैं तो उन्हीं को हम डॉटर सेल्स बोलते हैं। ओके, तो जो नई जो डॉटर सेल्स बनेंगी, तो उनके अंदर क्या है वो करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो हमने क्या है डीएनए का जो पीस है वो इंसर्ट किया था होस्ट सेल के अंदर। ओके, तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है नई डॉटर सेल्स के अंदर होनी चाहिए। चलिए इसमें बेसिकली क्या है स्टेप्स को हम कुछ फॉलो करते हैं जीन क्लोनिंग के टाइम पे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि एक जीन को हम आइसोलेट करते हैं। ओके, हम क्या एक डोनर ढूंढते हैं, और ऐसा डोनर जिसकी करेक्टरिस्टिक्स हमें क्या है किसी दूसरे मतलब स्पीसीज के अंदर हमें ट्रांसफ़र करनी है। तो सबसे पहले क्या हम डोनर ढूंढेंगे, उसके डीएनए में से हम क्या है एक जीन को लेंगे, है ना, जिसका हम क्लोन बनाना चाहते हैं। क्लोन मतलब उसके ऐसा डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं। ओके, तो उसके अंदर से एक जीन को लिया जाएगा उसके डीएनए के अंदर से। इसके बाद उस जीन को हम क्या कहते हैं कि जो वेक्टर होता है, जो होस्ट होता है ना, उसे हम वेक्टर बोलते हैं। तो उसके डीएनए के अंदर क्या है हम उसे इम्प्लांट करेंगे। तो जब जीन क्लोनिंग की जाती है, तो उसमें एक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसको हम थोड़ा डायग्राम की मदद से समझते हैं।
तो ये जो थ्योरी है ये तो आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। चलिए थोड़ा डायग्राम को समझते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या है, हमें मान लीजिए जीन क्लोनिंग करनी है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या है, एक डोनर सेल को लेंगे, है ना। अब डोनर सेल में क्या है, वो करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो कि हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, जिसके हम क्लोन बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या, हम एक सेल लेते हैं। सेल के अंदर क्या है, डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर क्या है, जीन होता है। और जीन के अंदर वो करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो कि हमें चाहिए, जिसकी हमें क्लोनिंग करनी है। ओके, तो हमने सेल ले ली, ये हमारा डोनर हो गया, और ये क्या हमारा वेक्टर हो गया, है ना, जो क्या है यहाँ पे बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया के यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी होस्ट सेल हो सकती है या फिर वेक्टर सेल हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बैक्टीरिया का ही एग्जाम्पल ले लिया। चलिए, तो दोनों चीज़ें हमने ले लिया, डोनर भी मिल गया, वेक्टर भी मिल गया। अब प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो जीन होता है, जीन को हम पहले आइसोलेट करते हैं, है ना। डीएनए के अंदर से हम क्या जीन को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो हमने कहा एक जीन का इस तरीके से एक सेगमेंट को बाहर निकाल लिया। अब क्या है, यहाँ पे एक सेकेंड स्टेप चलेगा, जिसमें क्या है, जो बैक्टीरियल सेल होती है उसके अंदर क्या है, प्लास्मिड होता है। तो प्लास्मिड को हम क्या करते हैं, उसका एक कट लगा देते हैं, इस तरीके से हम उसका शेप बना देते हैं, यानी हम क्या थोड़ा सा स्पेस खाली कर देते हैं। ओके, हम इसके एक सेगमेंट को निकाल देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो जीन हमने आइसोलेट किया है और ये जो प्लास्मिड है, इनको क्या हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं, अटैच कर देते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, तो ये हमारा क्या बन जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लास्मिड बन जाता है। अब ये जो प्लास्मिड बना है, तो इसको हम क्या करते हैं, एक दूसरे बैक्टीरिया के अंदर हम इसे प्लेस कर देते हैं। ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लास्मिड है, तो इसको हम दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ऐसे प्लांट कर देंगे, उसे इंसर्ट कर देंगे। इसके बाद क्या होगा कि जब ये जो बैक्टीरिया है, ये हमारा रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया रहेगा। रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया जब क्या है, ग्रो करेगा, और जब वो अपनी कॉपीज बनाएगा, अपने आप को रिप्लीकेट करेगा, तो जो नए नए जो बैक्टीरिया बनेंगे, तो वो सारे के सारे क्या है, नए नए करेक्टरिस्टिक्स के साथ होंगे, है ना, जो क्या है, हमें सेल से मिली है। तो हमें सेल से जो भी करेक्टरिस्टिक्स का है इस बैक्टीरिया के अंदर लेके आनी थी, तो वो क्या हम ला चुके हैं। तो इस तरीके से ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, तो वो काम करती है। अब इसमें तो आपने जीन क्लोनिंग देखी है कि किस तरीके से जीन को क्लोन किया जा रहा है, लेकिन ये जो कट लगाने वाला काम है कि जीन को हमने कट लगा के आइसोलेट किया, इसका प्लास्मिड के अंदर हमने कट लगाया, दोनों को अटैच किया, इसके अंदर इम्प्लांट किया, उसके अंदर इम्प्लांट किया, ओके। तो ये सारी जो प्रोसेस है, तो वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से की जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें बस आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमारा डायग्राम था, ये सिंपल सी थ्योरी है, ये आप पढ़ सकते हो, थोड़ी बोरिंग है तो मेरा मन नहीं कर रहा है पढ़ाने का, आप खुद ही पढ़ लेना, ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए सबसे लास्ट इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं। अब ये क्या है, इतना शॉर्ट मैंने क्यों पढ़ाया है, क्योंकि इसमें आपको शॉर्ट ही पढ़ना है, इसमें आपको बहुत डिटेल में पढ़ना ही नहीं है। ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है जीन क्लोनिंग का, ये आगे जाके काफ़ी डिटेल में पढ़ने हैं आपको। इसलिए यहाँ पे आपको बेसिक प्रिंसिपल्स ही समझने हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है। तो वो क्या है, जीन क्लोनिंग के ऊपर बेस्ड होती है, और जीन क्लोनिंग कैसे की जाती है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से। तो बहुत ही बेसिक्स आपको पढ़ने हैं, अभी आगे जाके काफ़ी डिटेल में पढ़ोगे, तो अभी से आपको जो दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशंस देखें तो मेडिकल ट्रीटमेंट में इसके यूज़ किए जाते हैं, और इसे क्या मेडिसिन वगैरह में काफ़ी यूज़ किया जाता है इस टेक्नोलॉजी को। जैसे हम इंसुलिन का जो प्रोडक्शन करते हैं, जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रहते हैं, तो इसमें क्या है, बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही यूज़ किया गया है। ओके, फार्मास्यूटिकल्स की हम बात करें, तो इसमें क्या है, जो नए नए और हाई क्वालिटी के जो ड्रग्स हैं, या फिर जो डायग्नोस्टिक एजेंट्स रहते हैं, तो उनके प्रोडक्शन में जो है इसे यूज किया जाता है। जैसे ह्यूमन इंसुलिन हो गई, यूरोकाइनेज हो गया, इंटरल्यूकिन हो गए, एरिथ्रोपोइटिन हो गई। तो इस तरह के क्या है, वेरियस टाइप के जो सबिस्टेंस हैं, मेडिसिन हैं, वो क्या बनाई जाती हैं फार्मास्यूटिकल के अंदर, जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करके। इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, तो इंडस्ट्रीज के अंदर क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनके साथ हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का खेल खेलते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, नए नए जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोड्यूस कर पाते हैं। और ये जो बैक्टीरिया वाला आपने सिस्टम देखा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बैक्टीरिया होते हैं, तो उनसे क्या हम डिजायर्ड मॉलिक्यूल्स वगैरह प्रोड्यूस करवा सकते हैं। जैसे अभी प्रीवियस आपने एंजाइम्स देखा था ना, तो एंजाइम्स हम क्या है, माइक्रोब्स के थ्रू हम कैसे उनका प्रोडक्शन करवा रहे थे, तो उसमें हम क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके जो अलग मेथड होता है, तो इसमें क्या हम बैक्टीरिया को जो है जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं, और जो हम जिस तरह का जो एंजाइम है, मॉलिक्यूल है, जो भी हम उससे प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, वो करवा सकते हैं। ओके, तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है। ओके, तो ये क्या है, तीन एप्लीकेशंस हो गए। इसके अलावा क्या ह्यूमन क्लोनिंग में भी यूज कर सकते हैं आप। बेसिकली ये ह्यूमन क्लोनिंग में ऐसा नहीं है कि हम मान लीजिए कि मैं हूँ तो मेरे जैसा ही एक और इंसान बना दिया जाए, तो ऐसा मतलब ये वाली क्लोनिंग की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या, एक तो क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को और कैंसर को ट्रीट करने के लिए मतलब यहाँ पे यूज किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग को। सेकेंड रहता है सप्लाई न्यू बॉडी पार्ट्स। ओके, तो बेसिकली क्या है, सप्लाई न्यू बॉडी पार्ट्स में ऐसा नहीं है कि मतलब ऑर्गन्स बना के बेचे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है,
यहाँ पे क्या है, टिश्यूज और ऑर्गन का जो ट्रांसप्लांटेशन होता है कि मान लीजिए किसी इंसान का जो ऑर्गन है वो क्या खराब हो गया है, ओके, तो उसको क्या हम जो जेनेटिक इंजीनियरिंग रहती है तो उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, टिश्यूज को हम ग्रो कर सकते हैं, नए नए टिश्यूज को हम जनरेट कर सकते हैं और ऑर्गन्स को हम जो धीरे धीरे करके डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, टिश्यू इंजीनियरिंग हो गया है ना, इसके अलावा रीजेनरेटिव मेडिसिन हो गया, तो इस तरह की मतलब जो अलग अलग मतलब फील्ड्स होते हैं, तो वहाँ पे हम क्या है जो जेनेटिकली जो मॉडिफाइड जो नए नए बॉडी पार्ट्स होते हैं तो उनको हम जो डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा जो डैमेज और जो डिजीज़ की वजह से क्या है जो ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं, बॉडी पार्ट्स खराब हो जाते हैं, तो उनको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग काम करती है। तो इसके क्या कुछ शॉर्ट से एप्लीकेशन हो गए, तो आप जो है बस याद रखना है ना, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे जाके क्या है, ये जो यूनिट वन का जो आखिरी चैप्टर है वो हमारा यहाँ पे फिनिश हो चुका है। अब क्या है, जो यूनिट वन है उसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।